want to wish everybody a very happy Holi. और बहुत टाइम के बाद इतना सारा क्राउड जमा हुआ है एक साथ में. हम दो तीन साल से वेट कर रहे थे, कोरोना आया एंड आफ्टर दैट वी स्लोली स्टार्टेड. बट दिस साल जो होली का कलर दिख रहा है लोगों में, उमंग दिख रहा है लोगों में और एक्साइटमेंट दिख रहा है दैट दैट कम ऑल टुगेदर, मतलब सब साथ में होली मना रहे हैं. क्राउड के बारे में क्या कहना चाहिए? पूरा के अंदर गाँव जैसे मेरा घर है, रूम पे है मेरा, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था मेरा और मैं वापस यही ग्राउंड पे आके बहुत एक्साइटेड हूँ और क्राउड इज़ वेटिंग फॉर मी. मुझे लग रहा है बहुत मज़ा आने वाला है. मैं बस अभी 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ. बहुत सेलिब्रिटीज हैं और उन लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया है. अब मैं जैसे म्यूजिक स्टार्ट करूँगी सारे स्टेज पर आ जाएंगे. जिस तरह के गाने गाने वाली मैं ज़्यादातर होली के गाने बजाऊंगी आज ज़्यादातर, क्योंकि आज होली का त्यौहार है और होली के स्पेशल गाने मैंने प्रिपेयर किए हैं. तो आई गेस आई विल प्ले ऑल द होली सॉन्ग. की बात कीजिए, कितने क्राउड हो गया? अभी 5,000 का क्राउड है और अभी आ रहे हैं लोग, अभी भी आ रहे हैं. मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि रंगरेव मेरा दूसरा साल है. अभी दूसरे साल में रंगरेव और इनके साथ काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड दिस ईयर हाँ जी, मैंने होली के लिए स्पेशल गाने बनाए हैं मेरे साइड से और मैं आज उनके साथ एक एक्सपीरियंस दूंगी होली का अलग. तो मैंने आज स्पेशल मिक्स बनाया है, विच इज़ होलिया में उड़े रहे गुलाल, वेरी ओल्ड सॉन्ग. बट होली में जो जो गानों पे डांस करके इंजॉय कर सकते हैं वो डांस फॉर्म में हमने क्रिएट कर दिया है. वहाँ पे तो आप गाने वाली, यहाँ पे दो लाइन अगर गा देंगे सोशल मीडिया वालों. हाँ फॉर श्योर. महफिल में तेरी रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है किससे हमारे नजदीकियों के, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है जितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया. ओ चन्ना मेरे आ, मेरे आ चन्ना मेरे आ, मेरे आ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आके? आप पहले तो अपना वर्ड बताएं, कितना एक्साइटेड है? या बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और सच बोलो तो इट्स ग्रेट बीइंग एसोसिएटेड विद दिस फाल्कन ग्रुप एंड वी ऑल आर एंजॉयिंग हियर इन दिस हॉलीडे. एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट being a privilege for being here with this pressure, with this group. Like he's a family friend, being associated with us for many years and we know him like from the media group for last 7 years, I think 6-7 years. किस तरह का वेलकम हुआ आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा हुआ, इट वॉज ग्रैंड. अच्छा लगा सब और अच्छा था, सब कुछ अच्छा था यहाँ पे. अच्छा लगा इधर आके और बहुत एंजॉय कर रहे हैं. अगर आपकी ग्रुप की बात की जाए तो कितने ग्रुप शामिल हुए यहाँ पे, कितने लोग देखा गया तो यहाँ पे आने, कितने लोग यहाँ पे थे मौजूद? बहुत बहुत सारे थे और सब एंजॉय भी कर रहे हैं. मैडम आप नतीजे तो किस तरीके का लेकिन डांस किया गया, होली डांस किया गया, क्या कहना चाहते हो लोगों को? हम भी एंजॉय कर रहे हैं और लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, दिख रहा है लाइक रेन डांस वगैरह अच्छे से, इट्स वेरी गुड. सर आपकी बात की जाए तो आप बड़े वो हो, जिस प्रकार से देखा जाए तो हर इवेंट कुछ भी देखा गया तो आप पहले पार्टिसिपेट में आते हो, क्या कहना सर आपको पूरे टीम का और किस तरीके से? पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को. ये होली का त्यौहार एक गेट टुगेदर और एक रंगों का त्यौहार है जिससे हम सब अपन साथ में मिलके इसको एंजॉय करते हैं. तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ पर मिड डे और गोल्ड मेडल और फाल्कन ग्रुप ने जो ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है. काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और सब मिलके एंजॉय कर रहे हैं. तो होली की सब सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इसी तरह से सब मिलके अपन एंजॉय करें.
ऑडियंस की बात की जब कितने ऑडियंस है यहाँ पर लाइक मोर देन 10,000 ऑडियंस है सो काफी सब लोग मिलजुल के एंजॉय कर रहे हैं 2024 में आने वाले दिनों में होली कैसी मनाई जाएगी इससे और बड़ा बनाया जाएगा काफी ऑडियंस देखने को मिला है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एंजॉय करने को और भी ज्यादा पब्लिक जुड़ सकती है और भी प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है अगर आपकी टीम की बात की जाए तो आपकी टीम भी काफी यहाँ पे लोगों का वो करते हैं कि और भी लोग त्यौहार मनाया जाता है होली नहीं काफी त्यौहार मनाया जाता है आपकी टीम के साथ हाँ हम लोग तो काफी टाइम से मिड डे और फाल्कन के साथ एसोसिएट रहे तो हर त्यौहार में और हर गेट टुगेदर में साथ में रहते हैं तो काफी अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं और हमको काफी ज्यादा एंजॉयमेंट और अच्छा लगता है सर आप क्या कहना चाहेंगे ग्राउंड में होली मनाया जा रहा है काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं क्या कहना चाहेंगे हैप्पी होली आपकी टीम भी यहाँ पे मौजूद हो क्या कहना चाहेंगे नहीं गोल्ड मेडल हर साल कुछ अलग करता है ये साल मिड डे के साथ किया है तो वी एक्सपेक्ट कि ये साल भी बहुत जबरदस्त हुआ है उसका रहा है तो हमेशा बेहतर से बेहतर कर रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर भी और धमाकेदार करेगा सो गोल्ड मेडल यो नहीं बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं अभी डीजे ड्रिंक बजा रहे हैं तो जो डीजेज उन्होंने चूज किए हैं बस काफी ऑडियंस में माहौल बहुत अच्छा है तो वो बहुत अच्छा लगा कि ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया है 2 साल के बाद आज होली मनाई जा रही है हाँ। के बाद आज कैसा लग रहा है काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं हाँ पहले कोविड में लगा था कि कुछ करेंगे नहीं अभी सब बंद हो जाएगा लेकिन अभी बहुत ही अच्छा कर रहा है तो बहुत ही बेहतर लग रहा है कि बहुत ही प्रोग्रेस हो रहा है एंड अच्छा रह रहा है